आदि की छिछोरी हरकतों की वजह से महलों में रहने वाले जजेस 4 दिनों से अपने घर तक नहीं जा पाए हैं। गाइस, अब तक तो हो ही गया होगा यार, आधा पौना तो हो ही गया होगा। अब तो खत्म हो ही जाएगा बिकॉज हम लोग दूसरों को बोलते हैं, मतलब इनको बोलते हैं मेहनत, शिद्दत, लगन। अभी हमने मेहनत भी की है, शिद्दत भी दिखाई है, लगन भी, मतलब पूरे लगन के साथ काम किया है। वी मस्ट बी 75% तो हो ही गया होगा। आई एम श्योर। ऑल्सो ना मैं थोड़ा फ्रेश भी फील कर रही हूँ, थोड़ा शावर ले लिया, क्विक शावर चेंज वेंज करके अच्छा लग रहा है। इंडियन आयल वालों को पता था कि बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है, इसलिए उन लोगों ने अरेंजमेंट बहुत अच्छी की थी, शावर सारी चीजें परफेक्ट थी। हर साल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तो इंडिया में टैलेंट लिमिटलेस कितनी है, कितनी लिमिटलेस टैलेंट है और सारे के सारे इंडियन आइडल में आना चाहते हैं। क्या बात है, वाह। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरी कसम दे दो। क्या बात, अगर मुझसे मोहब्बत है। एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था विनम्रता। सच में थी। करता रहता हूं मैं एनर्जी में बातें, अक्सर याद आती है विनम्रता की मुलाकातें। अरे मैं नम्रता को जानता हूँ, ये विनम्रता कौन है? तेरे सारे तेवर, he's a firecracker, she's a firecracker। विनम्रता नाम कैसा लगा तुम्हें? बहुत प्यारा। अगर विशु की महबूबा होती अच्छा, तो उसका नाम हम रखते विनम्रता। अच्छा जी, जी। जैसे तुम अपने ख्वाबों के राजकुमार का इंतजार कर रही हो, वैसे ही हमारे विशु अपनी उस विनम्रता का इंतजार कर रहे हैं जो जिंदगी में आने वाली है। मैं ख्वाबों में जा रहा हूँ, विशु और विनु की जोड़ी देख रहा हूँ, फिर एक फिल्म बनेगी तनु एंड मनु की तरह, विशु एंड विनु। ओह माय गॉड, क्या मजा आएगा। अरे मैं लहंगे सिलवा ली, मैंने सूट। ओह माय गॉड, ये ड्रीम सीक्वेंस तो देखना ही पड़ेगा। अरे वाह। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते, क्या गाने वाली हैं आप? ये गाना विशाल सर के लिए मैं स्पेशली गाना चाहूंगी। आप विनम्रता को जानती हैं? सर नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीर्षा है। विशु सर, आपके लिए एक छोटी सी शायरी मैं बताना चाहूंगी। बहुत खूब, थैंक यू। दर्द भरी शायरी है। जी हाँ, होना ही था। जख्म ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई। वाह वाह। जख्म ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई,
आग ऐसी लगी कि पानी भी बुझा ना पाई। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। आज भी रोते हैं हम उसकी यादों में, आज भी रोते हैं हम उसकी यादों में, जिन्हें कभी हमारी याद ही ना आए। क्या बात है, वाह तौर पे जब लोग यहाँ आते हैं और मेरे लिए गाना डेडिकेट करते हैं तो वो जनरली चीखने चिल्लाने वाला गाना होता है। दूसरी बात, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपने गाया भी बहुत अच्छा, बहुत ही डिग्निफाइड डेडिकेशन के लिए, मेरे लिए कम ही होता है ये, मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। यस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आइए टिकट लीजिए। शीर्षक में तो एचआर को विशाल की विनम्रता नहीं मिली, पर जिसमें मिली वो देखकर अच्छे अच्छों को, क्या नाम है आपका, विनम्रता, शौक लग सकता है। खुशखबरी सुनाऊं मैं आप दोनों को, सुबह से कितने लोगों को ऑडिशन किया हमने, 3। वैसे विशु अभी सुबह ही है, क्या अभी सुबह, मतलब जब से हमने शुरू किया, थोड़ा सा थ्रॉटल। जजेस सिर्फ 3 ऑडिशन लेकर ये भूल गए हैं कि पिछले 4 दिन से वो यहाँ बंद है। इन 4 दिनों में उन्होंने 10,000 से भी ज्यादा ऑडिशन ले लिए हैं। कंपटीशन तो बहुत टफ होगा क्योंकि हर सीजन में बहुत मंजे हुए सिंगर्स आएंगे। आई एम श्योर कि बहुत 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 टफ कॉम्पिटिशन होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और यहाँ पर सिर्फ दिल्ली नहीं, ऑलमोस्ट आधा इंडिया पहुँचा हुआ है, तो देखते हैं इनमें से स्टैंड आउट करना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना पड़ेगा। और ऐसी ही हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट जो अपनी नर्वसनेस और टेंशन को दूर कर आ रही हैं जजेस का दिल जीतने। जी मैम, एचआर पहचाना? हाँ हाँ, ओ सोनाक्षी। हेलो सर। एक तो तुम बड़ी हो गई हो, मैंने तुम्हें छोटू सा देखा था। और तुम दूसरा, मुझे तुम्हें देख के बिल्कुल तुम्हारी मम्मा की याद आ गई, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती हैं। आई मीन तुम उनके जैसी लगती हो। आई है आपकी मम्मा? आई है? हाँ आई है मेरे साथ। बुलाओ ना माँ। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। नमस्कार। माता जी कैसी हैं? ठीक हूँ। और
आपके हस्बैंड कैसे हैं? वो तो आप बहुत खुश हैं क्योंकि हम घर पे नहीं हैं। क्या बात है यार, आपकी ट्रेनिंग कितनी पुख्ता है इसमें सुनाई दी। वेरी 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 गुड, वेरी गुड। और एक बात सोनाक्षी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बन के सबा तुमने जब भी गाया, हिस्टोरिक गाया, वो एक बार से बन के सबा गाना। रहे ना रहे हम टैलेंट, एक्सेलेंट, वेलकम टू इंडियन आइडल सोनाक्षी। सोनाक्षी आओ और गोल्डन टिकट ले जाओ। सोनाक्षी जैसा नगीना तो हमारे जजेस ने ढूंढ लिया, लेकिन एक अच्छा सिंगर ढूंढना कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने जैसा होता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरसेन कुमार हुआ। तब हुआ मतलब? हुआ मतलब मेरा नाम हुआ अमरसेन कुमार, नाम हुआ। हुआ? या तो क्या हुआ? अमरसेन हुआ। विशु, तुम चाहे अंडरकवर थे, लेकिन तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि इसको जब हमने स्पॉट किया ना, तो इसने बातें क्या की, क्योंकि तुम दूसरी तरफ अंडरकवर गिरी कर रहे थे। नहीं, मैंने देखा था सर। देखा था वो आशिक वाला पॉइंट? ये वही है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आशिक वाला। वो लड़का। मुझे आप में कोई मोहब्बत वाले गुण नजर आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। तुम बहुत बड़े आशिक हो,
Am I right? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रभुपद मोहंती है. मिस्टर मोहंती, आपने कभी किसी से प्यार किया है? किसी को दिल दिया है? दिया है. ये वैसे दिया सर, दिया दिया. मैं उन शर्मीले किस्म के आशिक हूँ. है कोई? बता दो यार. नहीं सर, वैसे कुछ नहीं. वैसे अब बता भी दो यार. क्या बताऊं सर, मैं एक्चुअली सर है एक, मतलब पड़ोसी में कोई. पड़ोसी? पड़ोसन है? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही. रास्ते में है उसका घर? बिल्कुल सर, रास्ते में ही है. पर दिल में है उसका घर? वो तो है, वो तो है. मैं एक लाइन कह सकता हूं कि तुम्हारे रोम रोम में तुम्हारी पड़ोसन बसी हुई. ये लेवल की अगर मोहब्बत विजु को हो जाए नेहू तो दुनिया देखेगी इतने खड़ा कितने जो रहते हैं खड़ों को. इस लेवल की मोहब्बत हो जाए और वो विशु शर्माने लगे. ओ गॉड, आई कांट. विशु, मैं तुम्हें कहीं दिल से दुआ ना दे दूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए. Why not? अच्छा होगा यार, मजा आएगा. मैंने लाइफ में कभी ऐसा. अच्छे से गाओ जी. तोड़ दो. जय माता दी. लेट्स रॉक. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. नमस्ते. क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेत्रा दास है. जुनेत्रा, आप क्या करती हैं? मैम मैं थोड़ा बहुत शोज वगैरह कर लेती हूँ. अच्छा, शोज करती हैं? कोलकाता तो बड़ा शहर है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे जो वेस्ट बंगाल में विलेजेस है वहाँ पे मैम. अच्छा. और स्टेज में सब मुझे जून दास कह के बुलाते हैं मैम. ओ चाँद निकल गए जी. चाँद निकल गए तैयार हाँ. भीतर भीतर आग जले बात करूं तो सेक लगे हाय. आज भीतर भीतर आग जले बात करूं तो सेक लगे. ओ मैं चांद निकल गई तैयार अंग पे ऐसे छाल पड़े तेज तो छोका का करूं सीसी करती सीसी सीसी करती मैं मरूं जब पिलागारे जब पिलागा हाय हाय जब पिलागा लागर नमक इश्क का हाय रे तेरे इश्क का जब पिलागा लागर नमक इश्क का हाय रे तेरे इश्क का तेरे नमक इश्क का हाय रे तेरे इश्क का तेरे इश्क का. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैम मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा यहाँ पे आकर परफॉर्म कर. आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है, जिसके खिलाफ खड़े रह के आप अपने फैमिली की रखवाली कर रही हैं,
आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है कि आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि आपने बहुत अच्छा गाया है, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका गोल्डन टिकट। इंडिया आइडल, इंडिया आइडल, इंडिया आइडल, इंडिया। क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो रही? जहाँ हमारे जजेस नेहा और विशाल ऑडिशंस ले लेकर तड़प गए हैं, मैं भागी हूँ, ये दिल बोले हाय रे भगवान, वहीं जज एचआर को पसंद है भीड़। आई लव भीड़, आई लव भीड़, आई लव भीड़, माई नीड इज भीड़। लेकिन सिर्फ एचआर को ही भीड़ पसंद नहीं है, भीड़ भी है उनकी उतनी ही दीवानी। ये शहर मैं नेहा मैम के लिए कह रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है। अब मैं समझा तेरे, अब मैं समझा तेरे, वाह, रुखसार पे तिल का मतलब, दौलतें हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। क्या बात है, दौलतें हुस्न पे। रोज कहता हूं भूल जा उसे, रोज ये बात भूल जाता हूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके चुप 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 चुपके चुपके रात दिन हंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत सीरियस लेवल पर मैं बता रहा हूँ कि आपने
कुछ अलग ही बहुत ही ज़्यादा ग्रेट गा दिया. और जब आप आए थे तो ऐसा लगा कोई रॉक स्टार कोई रॉक परफॉर्मेंस देने वाला है. और उसके बाद जो आपने गुगली फेंकी, मतलब ये तो रॉक स्टार परफॉर्मेंस ही है. रॉक स्टार परफॉर्मेंस है लेकिन गजल के मैदान में. अगर आप सही इसी दिशा में चलते रहे तो मैं आपको ये बात कह दूँ कि जो गज़ल का जोन या जॉनरे जो बहुत हद तक बहुत पॉपुलर था और इस वक्त थोड़ा सा कम पॉपुलर है, वो आपकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर रिवाइव हो सकता है. Absolutely. On that note, बोल देता हूँ. गोल्डन टिकट. आज का दिन खत्म होते होते खत्म हुआ इंडियन आइडल 13 के ऑडिशंस का तीसरा दिन. और हमें मिले एक से बढ़कर एक धमाकेदार कंटेस्टेंट. प्यारे से कंटेस्टेंट की बचपन की तस्वीर ये रही. ज्यादा बदलाव नहीं है. बताइए. देखिए बचपन से वो आइडल के ऑडिशंस का नंबर लटका के घूम रहे हैं. पता था कि एक दिन वो आइडल में टहलका मचाने वाले. नेक्स्ट बिग थिंग ऋषि सिंह और इनके साथ स्टाइल स्वैग एंड फुल ऑन जैज सुपरस्टार सिंगर विनर मोहम्मद फैज. Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.